अच्छा, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम लोग एक साथ मिलके कुछ समय परमेश्वर के वचनों से हम मनन करेंगे और हम लोग देख रहे हैं आध्यात्मिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वस्थ और चंगाई पर हम ध्यान दे रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं। और आज का विषय है हमारा चुनाव की शक्ति, चुनाव की शक्ति। चलिए हम इसे प्रार्थना से शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम इतने सारे लोग इकट्ठे होके तेरी उपासना, आराधना और थोड़े समय के लिए मनन कर सकते हैं। हमारे हृदय मनों को खोल जिससे कि हम इसे समझ सके और सही चुनाव कर सके। तूने हमें चुनाव की शक्ति से हमें बनाया है और हम जब गलत चुनाव करते हैं तो हम तुझसे अलग हो जाते हैं और जब सही चुनाव करते हैं तो तुझ में हम बने रहते हैं। सो हम में से प्रत्येक को सही चुनाव करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे जिससे कि हमारा जीवन तेरे साथ और घनिष्ठ हो जाए और जो भी आशीषें तूने हम में से प्रत्येक के लिए रखा है उन आशीषों को हम प्राप्त करने सके, एक अच्छा जीवन बिता सके, दूसरों के लिए उदाहरण का कारण हो सके और तेरे राज में प्रवेश करने वाले हो सके। हम इन सब आशीषों को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन। चुनाव की शक्ति। परमेश्वर ने मनुष्य को नैतिक स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता में सही या गलत निर्णय लेने की लेना शामिल है। हर सही निर्णय से हम अपनी स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं। जब हम सही निर्णय लेते हैं तो हमारा स्वतंत्र और अधिक बढ़ जाता है और हम अच्छे चीजों को और अधिक हम चुनने लगते हैं। ये शक्ति बढ़ जाती है। हमारा हमारे द्वारा किए गए हर गलत निर्णय से हमारी स्वतंत्रता कम हो जाती है। पाप हमारे जीवन को नियंत्रित करता है और यदि हम गलत निर्णय करते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं और हम सही निर्णय लेने में असक्षम हो जाते हैं और हम हमेशा गलत चुनाव की ओर ही जाते हैं। और इसलिए हमें सही निर्णय लेना चाहिए जिससे कि हमारा अच्छी चीजों को चुनने की स्वतंत्रता बढ़ जाएगी और हमेशा हम अच्छे चीजों की चुनौती करते जाएं और मसीह में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर के लिए चुनाव की स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने हमें चुनने की स्वतंत्रता दी है, चुनने की स्वतंत्रता दी है। हालांकि वह जानता था कि इसके गलत इस्तेमाल का एक बड़ा बलिदान करना होगा और वह है यीशु मसीह का बलिदान। परमेश्वर मनुष्य को जब बनाया वह उन्हें स्वतंत्र दिया कि वे अपनी चुनाव करें और वह जानता था कि यदि चुनाव की शक्ति से मनुष्य को बनाता है तो वे गलत चुनाव भी कर सकते हैं और जब गलत चुनाव करेंगे तो उसके लिए परमेश्वर को एक बड़ा बलिदान देना होगा और वह है यीशु मसीह का बलिदान जो मनुष्य के पापों के लिए आके मरेगा और उन्हें उद्धार देगा। हमारे गलत चुनाव के परिणाम, इनके परिणाम क्या होते हैं? शर्मिंदगी ये होती है। हम शर्मिंदगी होते हैं हमारे गलत चुनाव के लिए। यहाँ उत्पत्ति 3:7 कहता है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हम देखते हैं कि आदम और हवा, जिसको शैतान ने बहकाया था और उसने कहा था कि तेरी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के सरीखे भले और बुरे का ज्ञान हासिल करोगे और तुम्हें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है जो भी तुम निर्णय लेते हो, क्योंकि तुम भले चीजों को भी जानोगे और बुरे चीजों को भी। लेकिन
उन्होंने ये नहीं जाना कि वे परमेश्वर, वे स्वतंत्र नहीं हुए, वे शैतान के अधीन हो गए और उनमें कमजोरी हो गई कि वे हमेशा गलत चुनाव की ओर आगे बढ़ते गए और गलत चुनाव के चल का परिणाम और हम दूसरा देखते हैं उन्हें दोषी महसूस करना, दोषी महसूस करना और भय। वे अपने स्वयं को दोषी महसूस कर रहे थे और उन्हें भय लग गया था और इसको हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 10 पद कहता है, उसने कहा मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हम देखते हैं सर्वप्रथम कि वे उन्हें उनके बीच में शर्मिंदगी आई, वे शर्म किए कि वे उनकी आंख खुल गई और वे अपने को महसूस किए कि वे नंगे हैं या कुछ ऐसे चीजें आई हैं कि उन्हें करनी नहीं चाहिए थी। और दूसरा हम देखते हैं कि वे दोषी महसूस किए और जब दोषी महसूस किए तो उनमें भय भी आ गया और वे डर कर वे छिप गए, वे परमेश्वर के करीब आने के बजाय वे और भी दूर जाने लगे। शर्मिंदगी, दोषी महसूस करना और भय, स्वयं को अपराध से मुक्त करने की कोशिश करना, किसी और को दोष देना। जब हम में शर्मिंदगी आती है, हम दोषी महसूस करते हैं, भय आता है, तो इस भय शर्मिंदगी से स्वतंत्र पाने के लिए, हम स्वयं के अपराध को से मुक्त पाने के लिए हम किसी और को दोषी बनाते हैं। उत्पत्ति 3:12-13 में हम लोग पाते हैं आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। यहां आदम को हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उनसे लेखा लिया तो अपना शर्मिंदगी और दोषी महसूस करने का और भय का कारण को वो कम करने के लिए या मुक्त पाने के लिए उसने दोष लगाया अपनी जीवन साथी के ऊपर और जो जीवन उसे दिया था उनके ऊपर। उसने कहा कि जिस स्त्री को तूने दिया है, यानी कि तूने इस स्त्री को दिया है और इस स्त्री ने मुझे बहकाया है और इसलिए मैंने खाया है। एक तरह से अपना अपराध को कम करने के लिए या मुक्त करने के लिए उसने स्त्री और परमेश्वर पर भी दोषारोपण किया। और आगे हम पढ़ते हैं तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया है। स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। यहाँ स्त्री भी अपना पाप को स्वीकार नहीं करती है, वो दोष लगाती है सांप के ऊपर और वो कहती है कि सर्प ने मुझे बहकाया। और दूसरे शब्दों से कहें तो जिस सर्प को तूने बनाया है उसने मुझे बहकाया और इसके लिए हमने खाया। और एक तरह से उसने परमेश्वर पर भी अपना दोषारोपण किया कि ये तेरे करने के चलते मैंने ये काम किया है। तो हम देखते हैं कि जब हम गलत चुनाव करते हैं, हम शर्मिंदगी होते हैं और दोषी महसूस करते हैं और भय का महसूस करते हैं, लेकिन उसे उसको मान लेने की जगह उस अपराध को से मुक्त होने के लिए हम दूसरों पर दोष आरोपण करते हैं। हमारे गलत चुनाव के परिणाम शर्मिंदगी, दोषी महसूस करना, खुद को दोष से मुक्त करने की कोशिश करना, यह प्रक्रिया हर बार दोहराई जाती है। जब हम गलत निर्णय लेते हैं हम दो अलग अलग तरीकों से कार्य कर सकते हैं, हमारे अपराध से छुटकारा पाना या इसे कम करना और पाप की गहराई में जाना। पहला है कि हम इस अपराध से छुटकारा पाने के लिए या कम करने के लिए हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं और ये हम सोचते हैं कि हाँ दूसरे लोग भी तो इस तरह का जीवन जीते हैं या दूसरे लोगों के ऐसे करने के कारण मैंने ये काम किया है। अगर वे
ऐसा नहीं करते और ये उदाहरण मेरे लिए नहीं देते तो शायद मैं ये काम को नहीं किया होता। और दूसरा है, हमारे गलत निर्णय के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना और यीशु से क्षमा मांगना और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए मदद मांगना। और ये दूसरा विकल्प है कि जो भी हमने गलत निर्णय लिया है उसके लिए स्वयं को जिम्मेवारी ठहराना और स्वीकार करना कि हमने गलत किया है, और यीशु के पास आना और उसे अंगीकार करना कि हमने गलत किया है और माफी मांगना और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए मदद मांगना। और ये हमारा सही विकल्प है जब हम चुनाव करते हैं तब। चुनाव के उदाहरण देखेंगे, हमारी अभी भी स्वतंत्र इच्छा है, हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारी जिम्मेदारी है। बाइबल के इन पात्रों में क्या चुनाव थे? यहाँ गिद्योन का उदाहरण देखते हैं, उसका न्याय का 7 और 8 पद में उसने परमेश्वर की बुलावा स्वीकार किया। उसने 300 लोगों के साथ एक मिद्यानी सेना को हराया। जब परमेश्वर ने गिदोन को अपने कार्य के लिए बुलाया, उसने उस कार्य को स्वीकार किया, वह अच्छा चुनाव किया। और जब उसने परमेश्वर के बुलावा का चुनाव किया तो परमेश्वर ने उन्हें 300 लोगों के साथ मिद्यानी सेना को वो हरा दिया। लेकिन हम देखते हैं उसके जीवन में उसने बिना परमेश्वर की अगुवाई की अपना चुनाव करता है। उन्होंने यादगार में सोने की एक एपोत बनाई, यह गिदोन और इसराइल के लिए एक बाधा थी। यहां हम देखते हैं कि पहले जगह वह परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार किया और परमेश्वर का काम, महान काम किया, और दूसरे जगह बिना परमेश्वर के आज्ञा से या स्वयं की इच्छा से उसने सोचा कि मैं ये काम करूंगा अपने यादगार में जिससे कि लोग मुझे याद करें कि मैंने 300 लोगों से इतने बड़े सेना को हरा दिया है। वह अपनी महिमा के लिए इसने बनाया और ये परमेश्वर के विरोध था और वह गिदियोन के लिए और इसराइल के लिए भी एक बड़ा बाधा का कारण बना। उसी तरह से हम देखते हैं सुलेमान के जीवन में भी, उसने इसराइल पर शासन करने के लिए बुद्धि को चुना। उन्होंने बुद्धि के साथ शासन किया, उसके राज में शांति थी। जब उसे राजा बनाया गया उसने परमेश्वर से यही प्रार्थना किया कि उसे बुद्धि दिया जाए जिससे कि उनके लोगों को अच्छी तरह से शासन कर सके, और परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दिया उन्हें, और उनके साथ उसके बुद्धि के कारण उसने पूरे राज में शांति से शासन की। लेकिन हम दूसरी चुनाव भी हम देखते हैं जो कि परमेश्वर से उसने नहीं मांगा। उन्होंने अन्य जाति पतियों से शादी की, वह अपनी पतियों के देवताओं की पूजा की, वह लोगों के बीच में शांति बनाने के लिए एक अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया, और वह था कि अन्य जातियों के साथ में अच्छा संबंध बनाना और उनके प्रथा के अनुसार उन अन्य जाति पत्नियों को शादी की, और उसको करने के द्वारा वह उनके देवताओं की भी पूजा की और वह परमेश्वर से भटक गया। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा या उनका बुलावा हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर के कहे के अनुसार हम करते हैं तो हम स्वयं आशीषित होते हैं, दूसरे लोगों को भी आशीषित करते हैं। लेकिन जब हम अपने स्वयं की बुद्धि पर निर्भर रहते हैं, बिना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जब हम काम करते हैं, तो वह हमारे लिए और जितने भी हमारे आसपास में रहते हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए जिम्मेवारी ठहराई है, उनका भी पतन का कारण हम बन जाते हैं। यहाँ दूसरा उदाहरण देखते हैं यहोशापात का। वह युद्ध से पहले परमेश्वर से मदद मांगता है।
वह बिना लड़े ही विजय प्राप्त कर लेता है। परमेश्वर से जब उसने प्रार्थना विनती की मदद के लिए, परमेश्वर ने उन्हें मदद किया और उन्हें लड़ाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और वह विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन उन्होंने गलत चुनाव की, उन्होंने आहाब के साथ गठबंधन किया। वह रहाम की लड़ाई में लगभग मर गया। यहां भी हम देखते हैं कि स्वयं पर निर्भर होता है और वह गलत चुनाव करता है, उसके कारण अपने पर और जितने भी लोग उनके राज में थे उनके लिए भी हानि का कारण वो बन जाता है। और अगला उदाहरण देखते हैं पतरस का। उसने यीशु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। वह 12 प्रेरितों में से एक बन गया। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह उन्हें बुलाया तो उसने अपना सारा चीज छोड़ दिया, अपना उद्योग धंधा जो मछली पकड़ने का था उसे छोड़ दिया और वह 12 प्रेरितों में से एक बन गया। वह जागते ना रहकर गतसमैनी की प्रार्थना नहीं की, गतसमैनी में प्रार्थना नहीं किया। उन्होंने यीशु को 3 बार इनकार किया। यहां पर यीशु मसीह उन्हें कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। लेकिन पतरस ने उनकी आज्ञा को नहीं सुना और वह उस वक्त जागते नहीं रहा और प्रार्थना नहीं करते रहा, जिसके कारण उसने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। तो हम इनमें देखते हैं चुनाव के उदाहरण। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चुनौती करते हैं तो वह हम स्वयं आशीषित होते हैं, दूसरे लोगों को भी आशीषित करते हैं। लेकिन जब हम स्वयं के चुनाव करते हैं, अपने स्वयं की बुद्धि पर निर्भर रहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध है, तो हम गलत चुनाव करते हैं तो उसे हमारी स्वयं की हानि होती है, साथ में हम हमारे अधीन में जितने लोग हैं उनके भी हम हानि, उनके लिए भी हम हानि का कारण बन जाते हैं। सही निर्णय कैसे लें, और इसके लिए हम पढ़ते हैं वचन संहिता उसका 119 उसका 11 पद कहता है, मैंने वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करूं। यदि हम परमेश्वर के वचन को जो धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है और परमेश्वर की दासी जितने लिखे हैं, यदि इन वचनों को हम अपने हृदय में रख छोड़ें या उसका अनुकरण करें तो हम परमेश्वर के विरोध हम पाप नहीं करेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 8 पद कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो 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 सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तो हमें चाहिए कि जो जो बातें सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण और प्रशंसा की हैं, हमें इन्हीं पर ध्यान लगाना चाहिए और जिससे कि हम सही निर्णय ले सकें। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 पद कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमें इस जगत की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर ही हमें हमेशा ध्यान लगाना चाहिए जिससे कि हम सही निर्णय ले सकें। हमारे बच्चों पर हमारी चुनाव के प्रभाव, जो भी हम चुनाव करते हैं परिवार में, घर में, हमारे बच्चों में किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है। यहां परमेश्वर की दासी कहती है, परमेश्वर की अपनी धमकी का मतलब यह नहीं था कि बच्चों को अपने माता पिता के पापों के लिए पीड़ित होने के लिए मजबूर किया जाएगा, लेकिन माता पिता के उदाहरण का उनके बच्चों द्वारा अनुसरण किया जाएगा। यदि दुष्ट माता पिता की संतान परमेश्वर की सेवा करें और धार्मिकता के कार्य करें तो वह उनके सही काम को पुरस्कृत करेगा।
लेकिन माता पिता द्वारा पापी जीवन का के प्रभाव असर बच्चों को विरासत में मिलते हैं। वे अपने माता पिता के पचीनों पर चलते हैं। तीसरी और चौथी पीढ़ी तक माता पिता से बच्चों तक पापपूर्ण उदाहरण का प्रभाव रहता है। यदि माता पिता भ्रष्ट खाना खान पान में लिप्त हैं, तो वे लगभग हर मामले में अपने बच्चों में वही प्रतिक्रिया करते हैं। जो भी हम खाना पीना करते हैं और जिस तरह का जीवन हम व्यतीत करते हैं, वे हमारे बच्चों में बिल्कुल प्रभाव करते हैं और वे उनके जीवन को उसी तरह से गठन करने में अगुवाई करते हैं। और मैंने भी ये अपना परिवार में भी मैं देखा। मेरे विवाह के बाद मेरा प्रथम जीवन था कि कुछ भ्रष्ट खाना पीना, यानी कि मैं शाकाहारी के जगह में मांसाहारी था और मैं मांस मछली या मांस खाने में बहुत पसंद करता था। और मेरे पहले दो बेटे हुए और उनमें इनका प्रभाव मैं देखता हूँ। लेकिन जब तीसरा बेटा उत्पन्न हुआ, तब तक में मैं शाकाहारी बन गया था। और शाकाहारी बनने के बाद में तीसरा बेटा का उत्पन्न हुआ और अभी मैं उनके जीवन को देखता हूँ, तो पहले दो और तीसरे बच्चों के व्यवहार में और उनके कार्य में बहुत भिन्न या परिवर्तन पर बहुत भिन्नता मैं देखता हूँ। उनके जीवन की शैली बिल्कुल अलग है। तो इसलिए जो कुछ भी हम खाते पीते हैं या परिवार में जो उदाहरण हम बच्चों को देते हैं, वो प्रतिक्रिया हम अपने बच्चों में दे देते हैं और वे उसी के अनुसार वे अपना जीवन बिताते हैं। आगे हम देखते हैं, बच्चे अपने माता पिता के समान चरित्र विकसित करेंगे। यदि माता पिता लगातार विद्रोही हैं और उदाहरण द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, तो उनके बच्चे आमतौर पर उसी शिक्षा का पीछा करेंगे। परमेश्वर के प्रति भय मानने वाले माता पिता का उदाहरण, जो परमेश्वर के शासन के अपने कार्य के द्वारा आदर और सम्मान करते हैं, उनके बच्चों और उनके बच्चों के बच्चों द्वारा नकल की जाएगी। और इस प्रकार यह प्रभाव पीढ़ी से पीढ़ी देखा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक वह उसी तरह से हम उनका अनुकरण करते हुए देखते हैं। और जैसे हमने देखा था कि जब हम गलत चुनाव करते हैं, तो हम अच्छी चुनाव के लिए हम नहीं कर सकते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं और हमेशा गलत ही चुनाव करने की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और जब हम सही चुनाव करते हैं, तो हमें ये स्वतंत्रता मिल जाती है कि हम अधिक से अधिक सही चुनाव करें। तो हम देखें कि हम किस तरह का जीवन अपने परिवार में व्यतीत करते हैं, जिससे कि हम अपने बच्चों को उसी राह में अगुवाई करते हैं। यदि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन सही है, तो हम उन्हें अच्छी तरह से जीवन बिताने के लिए अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कुछ आनाकानी कर रहे हैं, तो उनमें बुरा प्रभाव पड़ रहा है और निर्गमन उसका 34 अध्याय उसका 7 पद कहता है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार दोषी निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अपराध का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तो जो कुछ भी हम जीवन जीते हैं अपने परिवार में, वह हम अपने पीढ़ियों तक उसको देते हैं, सौंप देते हैं। यदि हम अच्छा जीवन जीते हैं, एक स्वस्थ जीवन जीते हैं, हमारे खाना पीना सही है परमेश्वर की अगुवाई की तरह, तो उनका प्रभाव हमारे बच्चों में भी पड़ता है और वे सही निर्णय लेते हैं। लेकिन जब हम गलत निर्णय लिए हैं, गलत उदाहरण दिए हैं, तो उनका दंड उनके बेटों
पोतों और परपोतों तक वो चला जाता है और वे उस गलत आदत के चलते परमेश्वर से दूर और दूर चले जाते हैं और वे हमेशा के लिए खो जा सकते हैं। अन्य लोगों पर हमारी चुनाव के प्रभाव, हमारे द्वारा किए जाने वाली हर पसंद सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करती है। सिर्फ हम स्वयं के नहीं, परिवार ही में नहीं, लेकिन हमारे आसपास में जितने लोग रहते हैं उनको भी हम प्रभावित करते हैं। यहाँ परमेश्वर की दासी कहती है, हम सभी का प्रभाव है और यह प्रभाव दूसरों की लक्ष्य पर उनके वर्तमान और भविष्य के लिए या उनके अनंत भविष्य के लिए कह रहा है। यानी कि जिस तरह का जीवन हम व्यतीत करते हैं और उदाहरण देते हैं उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। और यदि हमारा गलत उदाहरण है, गलत शिक्षा है, तो वह दूसरे लोगों पर भी प्रभावित करता है और वह उनके वर्तमान के जीवन का और भविष्य के जीवन के लिए भी और आनंद भविष्य के लिए भी वह कारण बन जाता है। एक तो हम परमेश्वर के करीब उन्हें ला रहे हैं और नहीं तो हम परमेश्वर से और दूर उन्हें खदेड़ रहे हैं या उन्हें अगुवाई कर रहे हैं ले जाने के लिए। सो हमें जानना देखना है कि हम किस तरह का उदाहरण हम दूसरों को देते हैं। आगे परमेश्वर की दासी कहती है, हम दूसरों पर हमारे किए कामों का असर का अनुभव कम करते हैं। यानी कि कितना हम दूसरों पर प्रभावित कर रहे हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने बोली वचन के द्वारा, चरित्र के द्वारा, खान पान के द्वारा, हम उसको बहुत कम अनुभव करते हैं कि कितना अधिक असर वो दूसरों पर पड़ता है। हम जो करते हैं या कहते हैं वह हमें कम ही लग सकता है। यदि हम आंखें खोले रहें तो देख पाएंगे कि इनमें अच्छे या बुरे के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम इन पर निर्भर करता है। तो यदि हमें परमेश्वर अपने आंखों को खोल के जानने की शक्ति देगा, तभी हम महसूस कर पाएंगे कि हमारे जीवन से कितने लोग प्रभावित हुए, एक तो परमेश्वर के करीब आए या परमेश्वर से दूर चले गए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरा जब मैं छोटा था, हॉस्टल में पढ़ता था, तो एक शिक्षक था जो मेरे लिए एक बड़ा उदाहरण का कारण था और वह हमेशा सिखलाता था मिसिस व्हाइट का लेख से और कहता था कि मिसिस व्हाइट ये कहती है, वो कहती है। और उसने ये भी कहा कि अंत के समय लोग मांस मछली खाना छोड़ देंगे और ये अच्छा नहीं है, हमें छोड़ देना चाहिए। और वह शाकाहारी के लिए बहुत प्रमोशन करता था लोगों को बनने के लिए, और उनका प्रभाव इतना मेरे ऊपर चला कि मैं शाकाहारी बन गया था एक छोटा लड़का होने के बावजूद भी। और एक दिन ऐसा होता है कि मेरे पिताजी आए थे मुझे देखने के लिए और उन्हें उसी शिक्षक के घर में जाना था किसी काम से मिलने के लिए। और ये दोपहर का समय था और वो कहा कि शायद अभी तो वे अपना भोजन कर रहे हैं, इसलिए चलो थोड़ा देर रुक जाते हैं, उसके बाद जाएंगे। और थोड़ी देर रुकने के बाद जब हमने गया, उनके घर में प्रवेश किया, तो उसी वक्त उन्होंने अपना भोजन समाप्त किया था। और जब मैं उनके डाइनिंग टेबल में अपना नजर उठाया तो देखा कि सबके प्लेट में हड्डियां हैं। और ये मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। जो शिक्षक एक शाकाहारी बनने के लिए लोगों को शिक्षा दे रहा है, वह स्वयं उसका सेवन कर रहा है। और इससे मेरा जीवन ऐसा हो गया कि ये सेवन डे एडवेंटिस्ट कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जिसमें बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, लोगों को अच्छा शिक्षा देते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर शिक्षा का पालन करना। और इसी तरह से ये प्रभाव ऐसा पड़ा कि एक ऐसा समय आ गया था कि मैं बिल्कुल संसार में खोने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने अपने उस पर हस्तक्षेप किया मेरे जीवन पर और वापस इस कलीसिया में बनाए रखा। तो इसका प्रभाव हमारे दूसरे लोगों पर कितना अधिक पड़ता है। शर्त के साथ चुनाव,
हम जिस स्थान पर पैदा हुए थे, हमारी अनुवंशिक विरासत, हमारा परिवार, हमारा स्कूल, अगर हमें वह विशेष अधिकार मिला है, हर चीज का हमारे ऊपर प्रभाव होता है और हमारी पसंद की शक्ति की स्थिति होती है। हम जितने भी जगह से हम गुजरते हैं, जहां हमें हमारा परिवार और हमारा स्कूल और हमारे जो नेबर हैं, आस पड़ोसी हैं, वे सब हमें प्रभावित करते हैं और हम इससे प्रभावित होके हम अपना चुनाव करते हैं और उसके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। जो भी कि हमारी परिस्थिति आसपास में क्या क्यों ना हो, हमारे माता पिता ने क्या उदाहरण दिया या हमारे शिक्षक, हमारे धर्म गुरु ने क्या सिखाता है, हमें इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि परमेश्वर हमें क्या शिक्षा देता है, हमें क्या अनुसरण करना है और उसके अनुसार हमें अपना चुनाव करना चाहिए। ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर जो हमें शिक्षा देता है उसकी चुनाव करें। हर कोई यीशु को अपना निजी उद्धारकर्ता मानने के लिए स्वतंत्र है। जो भी कि हम जिस परिस्थिति में है, हमें ये हम स्वतंत्र हैं कि हम अपने उद्धारकर्ता को हम अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में मान लेना। यहाँ परमेश्वर की दासी कहती है, यीशु हमारे अधिवक्ता या वकील हैं, उन सभी परिस्थितियों से परिचित हैं जिनके साथ हम घिरे हुए हैं, जिस परिस्थिति में हम जन्म लिए हैं, हमारे पड़ोसी कैसे हैं, दूसरे लोग कैसे हमसे हमें प्रभावित किए हैं, इनसे सब चीज से परमेश्वर वह परिचित हैं और हमारे साथ हमारे पास मौजूद प्रकाश और हमारे द्वारा रखी गई परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करते हैं। और हमें कितना प्रकाश मिला है, परमेश्वर की ज्योति मिली है और उनको सबको जानता है और उन्हीं के अनुसार हम से व्यवहार करता है और हमें अगुवाई करता है। यदि हम उस पर निर्भर होते हैं, तब वह हमें सही रास्ता में, जो भी परिस्थिति में क्यों ना हम जन्मे हो या वहां जीवन निर्वाह किए हैं, वह अगुवाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जब हम परिस्थितियों के बावजूद यीशु को स्वीकार करना चुनते हैं, तो वह हमें सही निर्णय लेने और हमारे मसीही जीवन में बढ़ने के लिए योग्य बनाता है। जो भी कि हम जिस भी परिस्थिति में क्यों ना जन्मे हों या रहे हों या जीवन व्यतीत किए हों, दूसरों का प्रभाव हम पर पड़ा है, लेकिन यदि हम इन सब के बावजूद हम यदि सही चुनाव करने के लिए हम चुनौती लेते हैं, सही निर्णय लेने के लिए चुनौती करते हैं, तो परमेश्वर या हमारे यीशु मसीह हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सही चुनाव करने के लिए वह योग्य बनाएगा, जिससे कि हम परमेश्वर के लिए सही चुनाव कर सकें आध्यात्मिक तौर से और शारीरिक तौर से, जिससे कि हम उसके राज के योग्य बन सकें और दूसरों के लिए भी एक सही उदाहरण का कारण हो सके। परमेश्वर आज के वचन से हमें यही शिक्षा दी है कि जब भी हम गलत चुनाव करते हैं, तो हमें दूसरों पर अपना दोषारोपण नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे मान लेना चाहिए और परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ मांगना चाहिए, जिससे कि हमें सही रास्ता में वह अगुवाई करे और सही निर्णय लेने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दे। हमें से प्रत्येक को परमेश्वर ऐसा करे कि हम सही निर्णय लें और एक मसीही जीवन बिताएं और ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए एक उदाहरण का कारण हो सके, जिससे कि हम बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के चरणों तले लाने वाले हो सके और उसके लिए हम एक आशीष का कारण बन सके। चलिए हम इसे एक प्रार्थना से समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सृष्टि की है, अपने स्वरूप में समानता में बनाई है, चुनने की शक्ति से हमें बनाया है। और आदम और हवा ने गलत चुनाव किया जिससे पाप आ गया और हम
इस पाप में घिरे हुए हैं और इस पाप के चलते हम विभिन्न परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। परिवार में, समाज में हम देखते हैं, हो सकता है कि हमें गलत उदाहरण मिल रहे हैं। जो भी जिस भी परिस्थिति में हम जन्मे हैं, हमें से प्रत्येक को ऐसा कर कि हम सही चुनाव कर सकें अपने खाने पीने में, रहने सहने में और आध्यात्मिक जीवन में, जिससे कि हम तुझ में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा सकें और दूसरों के लिए भी एक उदाहरण का कारण बन सकें और तेरे राज के लिए दूसरों का अगुवाई करते हुए स्वयं भी तेरे राज में प्रवेश करने वाले हो सके। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन।